अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अवर चैनल कुकिंग विद किड्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। क्विक से झटपट सी रेसिपी लेकर आई हूँ शलजम पालक की। बहुत आसान सी है, चिकन के साथ बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर डेढ़ गड्डी जो है वो पालक के लिए, उसे बारीक कट करा है और उसे वॉश करके रखा हुआ है। और एक पूरी साबुत चिकन है, तकरीबन ये 1 kg चिकन है, और 2 बड़े साइज़ की प्याज है, और 5 से 7 जो है यहाँ पर मेरे पास शलजम है, उन्हें भी मैंने बारीक कट करा हुआ है। अच्छा, शलजम का जो शेप है वो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तकरीबन 1/2 कप जो है मैं इसमें तेल शामिल करूंगी, उसमें प्याज डालेंगे, उसे अच्छे से मैं गोल्डन फ्राई कर लूंगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन जो हमारे पास है। अच्छा, आप जो है क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैं फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर जो है चिकन का वो चेंज हो जाए, और ये तेल में और प्याज में अच्छे से फ्राई हो जाए, तो इसकी जो एक अपनी एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून, ताज़ा मैंने कूट के डाला है। इसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है जब हम ताज़ा डालते हैं। तो 1 छोटी इलायची डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंग हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा है वो मैंने इसमें शामिल करा है। गरम मसाले में बस यही चीज़ें डालेंगे, अदरक लहसुन और गरम मसाला जो मैंने इसमें डाला है। उसके साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसकी स्मेल इसमें आ जाए। और नमक, मिर्च और हल्दी वो हम इसमें शामिल करेंगे। हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून है, लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून है, और सॉल्ट जो है वो आप अपने जायके के हिसाब से इसमें डालिएगा। वैसे मैंने 1.5 टीस्पून डाला था नमक। अब इन मसालों के साथ मैंने चिकन को जो है बहुत अच्छे से फ्राई करा, फिर उसके बाद इसमें मैंने पालक शामिल करी है, और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर कट करे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, और फ्लेम को जो है वो मीडियम रखेंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने शलजम कट करके रखा था वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको देखें कितना अच्छा मैंने फाइन कटिंग करी है, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता था, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, पालक के पानी मतलब वो छोड़ता है अपना, तो उसी में ही ये गलेगी और चिकन फ़ौरन गल जाती। देखें पानी कितना ड्राई हो गया। अब मैं इसको फुल ड्राई करूँगी और उसकी भुनाई करके ऊपर से हरी मिर्चें डाल के, और फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। अभी इसमें पानी जो है वो जितना है वो इसी में ही मतलब ये गल जाएगी, चिकन भी और पानी भी ड्राई हो जाएगा। और मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम करी हुई है, तो यहाँ पर डिश आउट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इसका फाइनल लुक कितना अच्छा आया है, बहुत यमी सी बनती है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।